ये जो है लगातार जो भी मुकदमे वापसी के लिए शासन से पत्राचार आता है उसमें डीसी क्रिमिनल की रिपोर्ट लगा के हम इसको वापस शासन भेजते हैं, फिर शासन उस पर निर्णय करता है। ये अलग अलग मुकदमों के संबंध में कभी एक कभी दो अलग अलग महीनों की रिपोर्टें आती हैं। पिछले 5-6 महीनों की जो है लगभग 20 रिपोर्टें हैं, 22 मुकदमों में जो यहाँ से रिपोर्टें गई थी उसमें मुकदमे वापसी का आदेश हुआ है और ये आदेश डीसी क्रिमिनल को गया हुआ है कि वो कोर्ट में इसको लगाएंगे, बाकी इसका संज्ञान न्यायालय लेगा और इस न्यायालय ही इस पर वापसी पे निर्णय लेगा। दंगों के बाद अभी तक कुल कितने मुकदमे वापस हो चुके हैं? लगभग करीब मेरे ख्याल से अब तक 40 मुकदमे ऐसे हैं जिनकी वापसी की रिपोर्ट यहाँ से आ चुकी शासन से और वो शासन के निर्णय के बाद हमने उसको न्यायालय में लगाया हुआ है और चूंकि न्यायालय का निर्णय अंतिम है, शासन ने केवल जो है मुकदमे वापसी की स्वीकृति दी है किंतु न्यायालय ही निर्णय उसका अंतिम होगा। अभी हाल ही में कितने दिन पहले आदेश जून में आए हैं, इधर जुलाई में तो कोई नहीं है, 2 जून के हैं, मई के हैं, अप्रैल के हैं, तो अलग अलग डेटों में सिंगल सिंगल लेटर आते हैं, वो एक साथ कोई सूची नहीं आती। लगभग इस अगर देखा जाए तो 3 महीनों में 22 की सूची है। सर ये कुछ जानकारी कितने लूट के मुकदमे दर्ज हैं, कितने आप जानेंगे इस तरह? ऐसा तो वो तो एक्चुअली मुकदमा सिंगल सिंगल है, वो डीसी क्रिमिनल को ही गया हुआ है, चूंकि मुकदमे अलग अलग कोर्टों में चल रहे हैं तो इसमें न्यायालय ही इसमें निर्णय करेगा। इसमें तो वार्ड संख्या लिख के आता है, बाकी तो डीसी क्रिमिनल बता पाएंगे, इसमें तो वार्ड संख्या लिख के आता है।